और ये लोग हमारा तेल का टैक्स है, ये इन्होंने क्यों नहीं इसको जीएसटी में रखा, ये मैं कहना चाहूंगा और आप सभी साथियों से कहूंगा कि अगर हमें ये टैक्स और ये टोल टैक्स, ये गैस टैक्स, ये प्रॉपर्टी टैक्स जो अभी अभी इम्पोज होने वाला है, हमारी सरकार जो हमारे नेता है वो अभी से लागू है कि ये टैक्स नहीं होना चाहिए। और मैं सभी आपके साथियों से कहूंगा ज्यादा टाइम न लेते हुए कि अगर हमने ये टैक्सों से बचना है तो बीजेपी को धक्का देके कांग्रेस को लाना है। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। ये जो हमारे कथा की शाम गोरीमान जी, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आपको बताया कांग्रेस सरकार के क्या क्या काम होते थे और आज क्या क्या होने हैं, ये लोग किस तरह से टैक्स पे टैक्स लगा के आम जनता का जीना मुश्किल कर रहे हैं। इसके बाद मैं जो कांग्रेस प्रवक्ता है उनको बताना चाहूंगा चंडी पघयाल जी, जो जून के जम्मू कश्मीर के अनेक युवा के नेता है, श्री चंडी पघयाल जी। सबसे पहले नमस्ते सबको मेरी तरफ से। मंच पे उपस्थित पार्टी के प्रेसिडेंट जी एम ईसा, हमारे वाइस प्रेसिडेंट मुलाराम जी, भल्ला साहब, ठाकुर भगवान सिंह जी, मनमोहन सिंह जी, हरि सिंह चीफ जी, रजनीश शर्मा जी, जिस प्रकार आज कटरा के अंदर कांग्रेस का झंडा इस तरीके से लहराया है, ये सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको कि पिछले कई डेढ़ साल के करीब करीब जो व्यापारी रो रहे थे, भाजपा के आगे अरदास कर रहे थे कि हमारे डेढ़ साल कोरोना काल में होटल बंद रहे, जो हम यहाँ पे किस्तें दे रहे हैं बैंक उनके ऊपर जो है इंटरेस्ट लगा रहा है, हमारा इंटरेस्ट वेवअप किया जाए। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट साहब जिन्होंने उनकी आवाज उठाई, यहाँ के होटल व्यापारियों के लिए आवाज उठाई कि इनको गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ दिया जाए, लेकिन ये ऐसी बेशरम सरकार है जिसने रिलीफ देने के बजाय उनके ऊपर और टैक्स जो है थोप दिए। यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर काम करने वाले हमारे चाहे जो पिट्ठू यूनियन वाले लोग हैं या चाहे जो यहाँ पे घोड़े वगैरह चलाते हैं या जो वैष्णो देवी की ओर जो भी डेली बेसिस के ऊपर काम करते हैं, उनके डेढ़ साल में कैसे घर चले, क्या ये भाजपा ने पूछा? आप लोगों से पूछा कि आप डेढ़ साल जो है आपकी रसोई कैसे चली? तो ये सिर्फ कांग्रेस सरकार की जो गरीबों की बात करती है, अगर भाजपा ने किया है तो वो ये किया है कि जो सड़क जो हाईवे हमारे कांग्रेस पार्टी ने बनाए तो उनके ऊपर जो टोल टैक्स बनाए वो भाजपा ने किया, रसोई गैस की कीमतें जो है वो भाजपा ने बढ़ाई, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भाजपा ने बढ़ाई। तो मैं इन्हीं लोगों के साथ जो है अपने भाषण जो है खत्म करता हूँ क्योंकि और भी साथी बोलने वाले हैं और एक नारा लगाऊंगा और वो नारा इस तरीके से हो कि कटरा के अंदर जो है एक नया इंकलाब आए और लोगों में एक नई उम्मीद आए। इंडिया नेशनल कांग्रेस, इंडिया नेशनल कांग्रेस, समी पर्याप जी। अब इसके बाद में जो अगला प्रवक्ता को न्योता दे रहा हूँ वो हमारे जम्मू कश्मीर के जूथ के प्रधान, जम्मू कश्मीर यूपी के जूथ के प्रधान श्री उदय जी जी। धन्यवाद। हमारे जम्मू कश्मीर की शान, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश प्रेसिडेंट जी एम ई साहब, उनके साथ श्री मूलाराम जी, रमन भल्ला साहब, मनमोहन सिंह जी, रजनीश शर्मा जी, ठाकुर बलवान सिंह जी, हरि सिंह चिप साहब, भगत साहब, हमारे भाई राजेश जी, सनी परिहार जी, हैप्पी जी, लतीश जी, नेहा भगत जी भी यहाँ पे और सभी साथियों को नमस्कार। ज्यादा नहीं मैं समय लेना चाहता हूं क्योंकि हमारे नेताओं ने भी बोलना है। साथियों सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दो साल होने को आए हैं, हमें स्टेट से यूटी बना दिया गया है,
तीन चीजें बोली थी इन बीजेपी वाले ठगों ने कि यूटी बनाने के बाद बहुत ज्यादा व्यापार यहाँ आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, खासकर जम्मू में आएगी। कुछ नहीं आया, जितनी नौकरियां थी वो भी चले गई। इन्होंने कहा था करप्शन खत्म हो जाएगी। अफसरशाही आज चरम सीमा पे है। करप्शन का नाम इतना ज्यादा है और डोमिसाइल बनाने के लिए भी पैसा ले रहे हैं ये गद्दार। और तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण, ये कहते थे मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। और दूसरे दिन देश का सिपाही शहीद हो रहा है कश्मीर में। कहां मिलिटेंसी खत्म हुई है कोई पूछे तो इन बीजेपी वाले दलालों से। और सबसे बड़ी चोट जो हमें देना चाहते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, गैस के दाम बढ़ा दिए। और जो जम्मू के लोग, हमारे पूर्वजों की जमीन, हमारा मकान और कराया, हम सरकार इस बीजेपी वाली भारत सरकार को अपने मकानों का कराया दें, प्रॉपर्टी टैक्स दें, ऐसे काले कानून को उखाड़ के फेंक देंगे। हमारी लीडरशिप हमारे साथ है। बीजेपी अपने घमंड में चूर है। आने वाले इलेक्शन में ऐसी घमंडी पार्टी को, घमंडी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन सेवा दल के चीफ हमारे भाई, इनको बहुत बहुत मुबारक देता हूं कि आज एक नई जान कटरा में लाई है। और मैं मीर साहब से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं को बढ़ाने का काम करना चाहिए जो इस समय में दिन रात एक कर रहे हैं। इनकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। जाएंगे शुक्रिया। ये थे हमारे जम्मू कश्मीर के झूठ के प्रधान श्री उदय सिंह जी। मैं जिस वीडियो को न्योता देने जा रहा हूँ वो हमारे जम्मू कश्मीर के सेवा दल के प्रधान श्री राजेश सूत्र। श्री राजेश कोत्रा जी, अभी हमारे जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी, पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी श्री मनमोहन सिंह जी, आदरणीय जीएमए जी, अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मूलाराम जी वाइस प्रेसिडेंट जेएनके प्रदेश कांग्रेस कमेटी, रमन बल्ला जी वाइस प्रेसिडेंट जेएनके प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जनरल सेक्रेटरी बलवान सिंह जी, कृष्ण जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हरि सिंह जी, अजेश डोत्रा जी, जिन्होंने यहां हमें सबको आमंत्रण दिया और इतनी शानदार जो रैली निकाली और उसके बाद जो अभी सभी लोगों को यहां पे बुलाया, मियां जी, उदय जी, सन्नी प्रहार जी और कांग्रेस सेवा दल के सारे एक एक जन और कटरा की जनता। आज ये जो कांग्रेस पार्टी ने यहां पे, जो सेवा दल ने यहां पे महंगाई पे, पेट्रोल डीजल और गैस पे जो यहां पे प्रोटेस्ट मार्च किया है, कटरा की जनता को बताई। और जो ये बीजेपी के जो ठेकेदार, जो हमारे जम्मू के ठेकेदार बने थे और लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया था और कच्ची एमएलए जिताए थे, आज उन्होंने जो हमारी बेइज्जती की है, डोगरों की बेइज्जती की है और जो स्टेट से झूठी बनाई है, और महाराज साहब ने जो हमें स्टेट का दर्जा दिया था और स्टेट एक्ट दिया था उसको तोड़ के डोमोसाइन इन्होंने लागू करवाया है, इनको शर्म आनी चाहिए। ये जो जम्मू के ठेकेदार बनते थे और जम्मू के हकेशी बनते थे, आज हमें दर्दा की ठोकरें खानी पड़ रही है डोमोसाइन सर्टिफिकेट के देने के लिए। और जब से ये इन्होंने यहाँ पे ड्यूटी बनाई है, पूरा हिन्दुस्तान आप घूम के आओ तो कहीं रोका नहीं जाएगा स्टेट पे। लेकिन ये जो कटरे का जो आज दो पैसे काम है इनकी वजह से है, क्योंकि कटरा में जब भी कोई यात्री आता है उसको तंग किया जाता है। बाहर से जब हमारा यात्रु आता है उसकी बस को चेंज किया जाता है, आगे दूसरी बस लाई जाती है। और कटरे के जो लोग हैं, जम्मू का जो व्यापार है, आज तहस नहस इन लोगों ने किया हुआ है, ये इनकी देन है, बीजेपी वालों की देन है। ये कटरा के लोगों को और जितने भी व्यापारी हैं जम्मू कश्मीर के, उनको समझ लेना चाहिए। इन्होंने जो जो रेत का जो माफिया बनाया है, सारे पैसे को लेने और ये जो पूरे जम्मू कश्मीर के जो माफिया माइनरी जो बना है रेत का, बजरी का और गरीब लोगों का जो
इंस्पेक्शन का काम है वो डबल कर दिया है, क्योंकि जो रेट जो हमें 1,000 रुपए मिलती दिया 4,000 रुपए मिली है को जितेंद्र सिंह को सबको ये हक जा रहा है। और जो 500 लोग ठेका ले रहे हैं ये सारे उनके पार्टनर मिले हुए हैं, जितेंद्र सिंह जुगल जी और बाकी जो जितने जो ये जो बीजेपी के एमपी हैं जो बाकी जो लोग हैं, अब हम लोगों को जम्मू के जो डोगे हैं उनको समझ लेना चाहिए कि बीजेपी को समझ जाना है और इनको वहां जाना है जहां ये काबिल हैं बैठने के। एक इनका एमएलए हुआ करता था और ये बात करते थे कि हम जम्मू की बात करेंगे, जम्मू की बात करें, आज कहां चलेंगे ये जम्मू की। आशीष जी ने जो बात बताई है कि 25% जो प्लास्टिक का दाना बना है, 25% ही जो खरीदे का ये शीटों का जो बाकी चीजों का रेट बढ़ा है इनके दौरान बढ़ा है, और 100 रुपए में आज जो पेट्रोल बिक रहा है, 1,000 रुपए में गैस बिक रही है, कोई ये बीजेपी वाला बोल नहीं रहा है। और हमको ये सबक सिखाते हैं होने का, जो कांग्रेस के लोग हैं इन्होंने देश को आजाद कराया था, किसने देश को आजाद कराया, जब जो सब लोगों ने मिलकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर देश आजाद कराया था। और आज तक जो इतना खुशहाल हमारा हिंदुस्तान है, कटरा का जो वैष्णो माता की हमें आशीर्वाद है जम्मू के लोगों को, आज ये जो लोगों ने इन्होंने जो अमन चैन हमारे जम्मू में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी को गर्व हो रहा है। और जम्मू में डोगरे को किठा होकर जब भी इलेक्शन आए जो पी साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं मेहनत कर रहे हैं, और जो रमन भल्ला जी, मुला राम जी और खास करके अजेश लोत्रा जी जिन्होंने इतना शानदार रोड उनके साथ जो साथी हैं आशु जी का उन्होंने जो ठाकुर ने इलेक्शन लड़ी है, सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस के हाथ मजबूत करे हैं। जब कांग्रेस मजबूत होगी हिंदुस्तान मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलेगा किठे बैठ के बात करने का मौका मिलेगा। मैं इतना ही कहते हुए अजेश लोत्रा जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। शानदार प्रोग्राम होगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। शुक्रिया। ये तो हमारी जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस के वकील है। आगे जो मैं बुलाने जा रहा हूँ वो हमारे महिला प्रेसिडेंट कांग्रेस सेवा दल की तमन्ना ही थी, दोनों तालियों के साथ। हमारे कांग्रेस पार्टी के जनाबे वीर साहब भगवान सिंह जी, रमन भल्ला जी, मुला राम जी, मनमोहन सिंह जी, रजनीश जी, हमारे सेवा दल के प्रेसिडेंट श्री राजेश लोत्रा जी, बाकी आए हुए हमारे सारे भाइयों और बहनों, सभी साथियों ने अपने अपने तरीके से बहुत बारीकी से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप अभी ना समझें तो ये आपकी बात की स्थिति है। आपने देखा कि मोदी सरकार ने हमें कहां से कहां पे आके छोड़ दिया, ये क्या हमारे देश की हालत कर दी, एक जगह की नहीं पूरे देश की हालत ऐसे कर दी। बोलते थे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो इन्होंने जो किया ये क्या बहुत बड़ा किया क्या काम। अंग्रेज जहां पे आए थे क्या छोड़ के गए थे हमारे देश में, और हमें हमारे ही हमारे लीडरों ने अंग्रेजों को धक्के मार के निकाला था, और हमारे ये खुद के जो बीजेपी की सरकार है इन्हें हम कहां निकालें। पहले ये सोचो, ये लोगों से वादे तो बहुत बड़े नहीं निभाया, कांग्रेस को जो दी उन्हीं को अपना लेबल चिपका के लोगों के बोलते हैं ये हमने काम किए। हमारे कांग्रेस सेवा दल में एक नारा है, पहले लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से। ये चोर है, इनको सजा आपने देनी है। महिलाओं का बजट खराब कर दिया, कोरोना की वजह से आदमी तो कमा नहीं रहे हैं, और औरतों का घर का बजट चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे पंजाब ने इनको एक सबक सिखाया है ऐसे अब हमारी बारी है, आपने ये काम करना है। हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहनों, ये अब आपकी बारी है।
इनका मुंह तोड़ जवाब देना होगा आपको। धन्यवाद। शुक्रिया। मैं जितने भी हमारे सीनियर नेतागण आए हुए हैं, मैं एक मिनट में बात रखना चाहता हूँ, अपनी भी बात रखना चाहता हूँ। इनको बताना चाहता हूँ कि कटरा के अंदर कोविड के बाद आज की जो पोजीशन कटरा की जो हमारी बकालियों की हालत है, मैं उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा सिर्फ एक मिनट के लिए। सर हमारे कटरा में तमाम जितने भी व्यापारी वर्ग हमारे, हम लोग जितने भी व्यापारी हैं, हम लोग एक बहुत बड़ी परेशानी में जूझ रहे हैं। वो परेशानी क्या हमारे लिए, दो परेशानी है। एक तो परेशानी हमारे लिए है बिजली के बिलों की, जो कोरोना काल के अंदर साल डेढ़ साल के अंदर हमारे बिल बिजली के जो है लाखों रुपए की शक्ल में चले गए हैं। किसी का 10 लाख, किसी का 8 लाख, किसी का 12 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 1 लाख, और इतनी परेशानी बिजली के बिलों को लेकर हो रही है। रोज बिजली वाले चल पड़ते हैं तारे काटने के लिए, बिजली काटने के लिए, और काल की हालत तो आप लोगों ने देख ली है। और दूसरी परेशानी जो हमारी है वो है बैंक को लेकर, और बैंक के जितने भी हमारे साथी हैं सबने बैंक के लोन लिए हुए हैं, किसी ने लिमर्स लिए है, किसी ने होटल का लोन है, कोई दुकान का लोन है। आज दिन रात बैंक वाले उनको तंग कर रहे हैं। हमें अगली लड़ाई इन दो इशू पे भी लड़ना पड़ेगी, और मैं इस मंच से आज आह्वान करना चाहता हूँ कि अगली लड़ाई हमारी जो होगी कटरा के अंदर इन दो इशू के ऊपर होगी, और आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अगले अपने जो हमारे नेता हैं जम्मू कश्मीर के सेवा दल के प्रधान और कटरा की शान श्री राजेश कोटल जी को बुलाना चाहूंगा। मंच पर आए और अपने ख्याल रखें। हाँ जी, जैसे पीछे से आदेश हुआ है, अभी संजय मनाज जी को मैं निमंत्रण देना चाहूंगा। मैं निवेदन करता हूं श्री बलवान सिंह जी से कि वो यहां पे आए और हमारी जनता को संबोधित करें। श्री बलवान सिंह जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। मोहतरम जनाब जी, अजीत साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर, श्री मूला राम जी साबका सदर, श्री रमन बल्ला जी, मनमोहन सिंह जी, बाकी नौजवान हमारे यूथ कांग्रेस के रजनीश शर्मा जी, हरि सिंह पिंग जी, कृष्ण लाल जी हैं हमारे उधमपुर जिला के अध्यक्ष, और राजेश सुडोत्रा जी जिनके जरिए ये ऑर्गेनाइज किया, और इनकी सारी टीम, सोनू ठाकुर मैं देखा हूँ सामने बैठे हुए ये, और इनकी सारी टीम, आशु जी के सामने बैठे हुए आप सब, कटरा के जितने भी कारपोरेटर साहब माता बहना सारिया बेहो, मतलब असें मता टाइम नहीं लेना, तुम बड़े देर के बैठे बेहो बेहो। गल यह है के लोग सारे कांग्रेस की वोट देते थे और पूरे देश की खा ली, मोदी जी ने उनकी जमात ने बीजेपी ने नारा दिता कि चंगे दिन आने, शायद दिन आने, अच्छे दिन आएंगे। दसो सच्चाई बोलनी, झूठ नहीं मारना। अज जेड़ा सा अज का प्रोग्राम है सिर्फ लोगों की जागरूक करने वास्ता, लोग मरवा दे भुखा करना, महंगाई करना, और कोई आवाज नहीं उठाता। अज मीर साहब की अध्यक्षता च लीडरशिप के 45 दिन का प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के रखे दा, जिथे अस लोगों की दिलों की आवाज जी है, जेड़ा उनका दुख तकलीफ है माता भैन की, खास करके गरीबी हर जगह पर खर्चे बढ़ी गए, ये गैस है जी 450 रुपए की होंगी ही, पिछले मार्च भी 850 की गैस ही, लेकिन साढ़े लेकिन 400 रुपया सबसिडी आती थी, अज सबसिडी जी 38 रुपये है। पेट्रोल पिछले बारे को 24 रुपये 1 लीटर महंगा, अस गड्डी की टैंकी भराते हे 2000 कने भरती जी, अज मैं अपनी गड्डी भराने वास्ते टैंकी भराई डीजल की 3700 रुपया लगा। इसे तरह पेट्रोल मैटाडोर के किराए, तुस ये देखो बिजली के बिल, पानी के बिल,
टोल टैक्स जरा अस रियासी जन्ने या कटरा आने तो यह टोल टैक्स कि डबल करी ओड़िया उन्हें वो नहीं लगाया हों टैग 280 रुपये आम तो 280 रुपये जानकारा का अज ये एक पासा दूए पास तुम दिखी लो आंदू ही कुछ बधी है आंदू ही कुछ नहीं बधी कोई तनखाई नहीं बधिया कोई रोजगार नहीं लगा रहा कोई नवी गल नहीं किसानी के क्या हालत होगी तो सामने सारी गल नौजवान की नौकरी पिछले 6 साल की मिली कोई नहीं लगी सारा फिरने अस कि नौकरी लगा कोई नौजवान बेरोजगारी पूरी छाई दी है अज अस भुखमरी के कदार पर पुजी गए अज इस जमाने के 2014 के बाद जो कोई रिश्त पुष्ट होया जो कोई अमीर होया तो वह जिया अस जो सुना दे चाहे वो रिलायंस आले हो गए अंबानी साहब चाहे वो अडानी साहब हो गए तो जा फिर भारतीय जनता पार्टी का भी चंगे मुद्दे हो गए अजक भारतीय जनता पार्टी का फिर भला साहब को भी मुद्दा हो गया अजक इन्हें पैसे खा गए तो मेरा भला साहब का तो जिसमानी है वह शुरू का जो स्कूल पढ़ते हैं कॉलेज पढ़ते मैं उदू का जानना लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले पैसे इन्ने खाई ले तो देखो कुछ पैसे आए इन्हें को गड्डी वास्ते नहीं बसें में चलते हैं अब सारे जिले बड़े बड़े दफ्तर और जिन्हें लोग जिन्हें भी कारोबार बिजनेस है वो सारा भारतीय जनता पार्टी वाले की विदाउट और ये इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कि हिंदुस्तान के कोई जमहूरियत कोई डेमोक्रेसी नहीं है सिर्फ डिक्टेटरशिप चल रही है इन्हें आख्या मिलिट्रेसी खत्म कर दे गए इन्हें आख्या नौजवान की नौकरियां दे गए